4 प्लाई की वूल ली है और नॉर्मल 10 नंबर की सिलाई से आपको दिखाने जा रही हूँ। ये जो डिज़ाइन है जाली वाला डिज़ाइन है, आप इसे अपने टॉप पे या शॉल्स पे डाल सकते हैं। तो चलिए 14 14 फंदों के मल्टीपल में डिज़ाइन है, देखिएगा। अब देखिए, पहला फंदा उतारेंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पे हमने जाली डालनी है, तो धागा अपनी तरफ करके इन 3 फंदों को हमने 3 का 1 करना है इस तरफ। तो आप क्या करेंगे, इन 2 फंदों को देखिएगा, 2 का 1 करेंगे और वापस इसे लेंगे और इस वाले फंदे को इनके ऊपर से उतार देंगे और इसे वापस लेंगे। ये आपका हो गया 3 का 1। अगेन यहाँ पे जाली डालनी है ऐसे, इस तरीके से, और एक फंदा आपने उल्टा बनाना है। फिर जाली डलेगी और 3 फंदों का 3 का 1 होगा। अब कैसे होगा देखिएगा, ये उतारा, इन 2 फंदों को आपने 2 का 1 किया और इस उतारे हुए फंदे को आपने इसके ऊपर से ऐसे ले लिया। और फिर से यहाँ पे जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ और 3 फंदे सीधे, 1 2 3, और एक फंदा उल्टा। तो देखिए, यही जो 14 फंदे हैं इन्हीं का डिज़ाइन है। आप ये देखेंगे, ये पहला छोड़ के 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यही 14 फंदे आपने रिपीट करते हुए जाना है। अब यहाँ से हमारी रिपीटेशन शुरू है, 3 फंदे सीधे, यहाँ पे जाली डलेगी तो धागा अपनी तरफ और 3 का 1 करना है हमने। तो आप इन 2 फंदों को 2 का 1 कीजिएगा ऐसे और फिर इसे वापस लेके ये वाला फंदा आपने इसके ऊपर से ऐसे ले जाना है और फिर इसे उतार देना है। ये हो गया 3 का 1। अगेन जाली डलेगी ऐसे, एक उल्टा बनेगा, फिर जाली डलेगी, धागा यहीं रहेगा और 3 का 1 करना है। अब हमने इस तरफ करना है, तो ये उतारेंगे और ये 2 फंदे आपने 2 का 1 करना है और ये वाला फंदा आपने इसके ऊपर से ऐसे उतार देना है इस तरीके से। फिर जाली डलेगी और 3 फंदे सीधे बनेंगे, 1 2 3, और एक फंदा उल्टा। तो देखिए, यही रिपीटेशन आपको करते हुए जानी है, उल्टी लाइन जो है हर बार उल्टी ही बनेगी। देखिए, आ गए 3rd लाइन पे। अब पहला फंदा उतारेंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और 1 2। अब यहाँ पे जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ और इन 3 फंदों को हमने 3 का 1 करना है इस तरफ। तो आपने क्या करना है, ये जो 2 फंदे हैं इन्हें हमने 2 का 1 करना है ऐसे। 2 का 1 करने के बाद ये वाला फंदा लेफ्ट साइड लेना है और ये वाला फंदा आपने इसके ऊपर से ऐसे उतारना है और इसे इस तरीके से लेना है। ये देखेंगे ऐसे आ गया। अब यहाँ पे फिर से जो है जाली डलेगी और एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, ये होगा। फिर यहाँ पे जाली डलेगी तो धागा अपनी तरफ और इन 3 फंदों को आपने 3 का 1 करना है। तो पहला उतारेंगे, इन 2 फंदों को आप 2 का 1 करेंगे और इस उतारे हुए फंदे को आपने इसके ऊपर से ऐसे उतार देना है। और जाली डलनी है, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा, ये देखेंगे। अब यही रिपीटेशन फिर से हमने यहाँ पे करनी है। आगे 5th लाइन पे देखेंगे ऐसे है। अब पहला फंदा आपने उतारना है और एक फंदा सीधा बनेगा। अब यहाँ पे फिर से वही जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ और इन 3 को आपने 3 का 1 करना है। तो इन 2 को आपने पहले 2 का 1 करना है, फिर इसे वापस लेना है और इस वाले फंदे को इसके ऊपर से उतार देना है। ये हो गया, देखेंगे इस तरीके से। आप जाली डलनी है, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे सीधे, एक उल्टा, ये सेंटर का फंदा है, फिर 2 फंदे सीधे ऐसे, ये देखेंगे। अब यहाँ पे फिर से जाली डलनी है और इन 3 को 3 का 1 करना है। तो पहला उतारेंगे और इन 2 फंदों को आपने 2 का 1 करना है और उतारा हुआ फंदा आपने इसके ऊपर से ऐसे ले जाना है।
अब चाली डालेगी धागा अपनी तरफ और एक फंदा सीधा और एक उल्टा, ये देखें ऐसे आया। अब यहाँ से रिपीटेशन है, एक चलिए आगे फिर से देखिए। सेवेंथ लाइन पे फिफ्थ लाइन कंप्लीट, सिक्स लाइन कंप्लीट करके अब करना क्या है, पहला फंदा तो हम उतारेंगे ऐसे और अब हमने जो जाली है यहीं पे डालनी है। तो धागा अपनी तरफ करके इन दो फंदों को आपने दो का एक करना है ऐसे, इस तरीके से इसे वापस लेना है और इस वाले फंदे को आपने इसके ऊपर से उतार देना है। फिर धागा अपनी तरफ, ये देखेंगे फिर यहाँ पे जाली डलेगी। अब तीन फंदे हमने सीधे बनाने हैं, एक दो तीन। अब ये फंदा तो उल्टा बनेगा ऐसे, अगेन तीन फंदे सीधे बनेंगे, एक दो तीन। फिर यहाँ पे देखेंगे यहाँ जाली डलेगी तो धागा अपनी तरफ करके इन तीन फंदों को तीन का एक करना है। तो इसे उतारा आपने, इन दो फंदों को आपने ऐसे जो है दो का एक किया, ये देखेंगे ये उतारा फंदा धागा अपनी तरफ, फंदा उतारा, इन दो फंदों को दो का एक किया और इस वाले फंदे को इसके ऊपर से उतार दिया। अब यहाँ पे हमने जाली डालनी है ऐसे और साथ में ये वाला फंदा उल्टा बनेगा। यहाँ से हमारी रिपीटेशन शुरू है, जाली फिर से ऐसे जाली डलेगी, फंदा इस तरीके से आया। अभी अब पलट के उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी। चलिए देखिए आगे नाइन्थ लाइन पे, अब देखेंगे क्या करना है। पहला फंदा उतारेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ। अब पहले हम यहाँ की तरफ ले जा रहे थे, अब हमने ऐसे ले जाना है, तो तीन का एक करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, ये पहला फंदा आप उतारेंगे जाली धागा अपनी तरफ, इन दो फंदों को हमने दो का एक करना है, ये दो को आपने दो का एक कीजिएगा। अब ये उतारा हुआ फंदा हमने इसके ऊपर से ऐसे उतार देना है। अब यहाँ पर भी हमारी एक जाली डलेगी तो धागा अपनी तरफ करके दो फंदे सीधे बनेंगे, एक और एक दो। अब ये एक उल्टा, अगेन दो सीधे, एक और एक दो। फिर यहाँ पे जाली डलेगी। अब जो ये है ये हमें तीन का एक इस तरफ ले जाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम कर रहे थे दो का एक किया, इसे वापस लिया और इस वाले फंदे को इसके ऊपर से ऐसे उतार दिया। अब यहाँ पर फिर से ऐसे जाली डलेगी और एक फंदा हमारा सीधा बनेगा, ये देखेंगे। अब यहां से एक फंदा उल्टा। अब यहां से हमारी रिपीटेशन फिर से शुरू है, तो देखिए चलिए आगे हम इलेवेंथ लाइन पे। अब पहला उतारूंगी और दो फंदे आपने सीधे बनाने हैं, एक और एक दो, ये बनाएं।
अब यहाँ पे जाली डलेगी तो धागा अपनी तरफ, ये वाला फंदा उतरेगा। इन दो फंदों को आप दो का एक करेंगे और इस उतारे हुए फंदे को आपने इसके ऊपर से ऐसे ले जाना है। अब जाली डलेगी और एक फंदा सीधा बनेगा, फिर एक उल्टा। अब एक सीधा बनेगा, अब यहाँ पे जाली डलेगी तो धागा अपनी तरफ और इन तीन को तीन का एक करना है। तो पहले वाले दो को हम दो का एक करेंगे, इसे वापस लेंगे और इस वाले फंदे को इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। यहाँ पे अगेन जाली डलनी है और दो फंदे सीधे बनने हैं, एक और एक दो, और ये एक उल्टा फंदा। तो देखिए इस तरीके से ऐसे आएगा ये। अब यही रिपीटेशन आपने करनी है। तो देखिए ये 12 लाइंस का डिज़ाइन है, इस तरीके से देखेंगे आप ऐसे बन रहा है इस तरीके से। ये आपका 12 लाइंस का डिज़ाइन आपने रिपीट करते हुए जाना है, तो ये बनता हुआ जाएगा। बहुत खूबसूरत सुंदर सा डिज़ाइन है, आप इसे अपने टॉप पे या अपनी शॉल्स पे डाल सकते हैं। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।